नमस्कार दोस्तों, पार्सलिज्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 जो प्रोबेबिलिटी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है, आप बहुत ही इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं 13.1 को। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13.1 जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये बहुत ही इजी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में क्वेश्चन को। और इसमें बेसिक चीज़ बताया गया है प्रोबेबिलिटी का, तो हम लोग एकदम शुरुआती से पढ़ेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ हो सकता है, हो सकता है यानी कि 50-50 मानते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप कोई एक वीडियोस बनाए, यूट्यूब पर अपलोड किए, एक वीडियोस बनाए, सोचे कि हम उससे ग्रो करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, हो जाएगा ना तरक्की करने का उस चैनल का। तो प्रोबेबिलिटी कब हाई होगा, कब उसका चांस ज़्यादा बढ़ेगा, जब उस पर आप 5-6-7-8 वीडियोस बढ़िया क्वालिटी का डालिएगा तब बढ़ेगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि चांस जो है हो सकता है, श्योर नहीं है कि वो चीज़ हो जाए लेकिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में अभी दीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम, तो पूरा अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा कि भाई 50% आएगा कि 100% आएगा या फेल हो जाएंगे, रहता है ना ऐसा प्रोबेबिलिटी, चांस जिसको कहते हैं, चांस कि कितना आ सकता है, या तो आपका 50% आ सकता है या तो 60% या तो 100%, यही ना होता है कि कोई जो है कुछ भी आ सकता है। ओके, श्योर यहाँ पर आप नहीं है कि कितना आएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी कितना उसका चांस बनता है आने का, ठीक है। आ रहा ना सर में, जैसे एक सिक्का है एक का, तो आप देखते होंगे क्रिकेट मैच खेलते होंगे तो उस पर जो है एक में टेल रहता है जहां पर 1 लिखा हुआ रहता है और जहां पर अशोका का चिन्ह रहता है उसको आप लोग हेड कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी टॉस हम लोग उड़ाएंगे तो दोनों में से कोई भी एक ही चीज आने वाला है, या तो हेड या तो टेल। आ रहा है ना सच में आपको, तो 50-50 कहते हैं ना आप, या तो भाई हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अब आते हैं अपने बातों पर, जो आपका प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो आप सैंपल स्पेस देख रहे हैं इसको हम लोग डिनोट किए हैं एस से, कैपिटल एस से, यानी कि कितना आ सकता है भाई। जैसे हम आपको अभी बोले कि एक सिक्का को जो है यहाँ पर दे दिया गया है, एक सिक्का को 3 बार उड़ाया गया, तो या तो उसमें 3 बार हेड आ सकता है या तो 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है ना। तो आप इससे समझ ही गए होंगे, तो इतना बार आ सकता है, इसका पूरा चीज इतना ही आ सकता है ना दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर जो है 8 केसेस दिया हुआ है दोस्तों, तीनों में से कोई भी आ सकता है ना। आ रहा है ना सर में दोस्तों। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक है ई का नाम दिया हुआ, एक का नाम है एफ का दिया हुआ। तो आप बोलिएगा कि ई यहाँ पर क्या है भाई और एफ क्या है। तो देखिए ई और एफ जो है यहाँ पर दोनों क्या है, इवेंट है, ठीक है। इवेंट मतलब कि कितना चांस, ओके, कितना चांस में क्या क्या आ सकता है। तो ई से यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि इवेंट ही उसको कह रहे हैं, ई को यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है पहला इवेंट से और एफ को दूसरा इवेंट से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी ये सब आप मत पढ़िए क्योंकि वही क्वेश्चन का है, अभी आप सिर्फ कुछ कुछ बेसिक चीज़ समझिए, ओके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये जो पी और ब्रैकेट में ई लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए ये सब इवेंट तो है ही, ये दोनों इवेंट है, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ना उल्टा यू जिसको कहते हैं, यानी कि घर टाइप से बना हुआ है बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक सर्कल का नाम है ये और एक सर्कल का ये नाम है, जैसे इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ओके, ये पहले अलग अलग था, इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6
सिक्स तक था, ठीक है। मान लीजिए इसमें हेड 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 टेल जो भी मानना है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मान लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एकदम आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। और इसमें हम देख लिए कि 1 है 3 है 5 है 7 है, सपोज डैट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है ये दोनों में कौन कौन कॉमन है, ठीक है, कॉमन जिसको कहते हैं, यानी कि कॉमन का मतलब कि दोनों में वो नंबर शामिल हो जो कि दोनों में आता हो, आ रहा समझ में, ऐसा नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नंबर जो दोनों में शामिल हो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 और 5 जो है वो दोनों में शामिल है, ठीक है ना, तो वही आपका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लिखते हैं 1 2 3 और 4 5 6, और यहाँ पर 1 3 5 6, तो देख रहे हैं कि 3 3 और 5 1, ये सब जो है कॉमन है, तो इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, 1 3 5, ओके, आ रहा ना समझ में दोस्तों। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो सर्कल है ये इस तरफ का भी है और ये सर्कल इस तरफ का भी है, यानी कि दोनों चिपका हुआ है ना, और इसी को हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कि जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में टकरा रहा हो, आ रहा समझ में, टकरा करके एकदम वहाँ पर सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट बन जाए, उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके, आ गया समझ में दोस्तों। जो इसमें शामिल था, जो इसमें शामिल था उसको हम लोग एक तरफ लिख लिए, यही आपका है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं उल्टा यू से, ठीक है, यानी कि यू से हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं यहाँ पर यूनियन, और इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, और इसको कहते हैं हम लोग यूनियन, एकदम आराम से समझना है दोस्तों, कोई घबराना नहीं है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया है आपका, अब आ गया समझ में इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, ओके, बस थोड़ा ही सा चीज़ तो यहाँ पर पढ़ना है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अब जो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आने वाला है ये है आपका, जो क्वेश्चन आपका बनेगा पूरा से। अब यहाँ पर देखिए ये 13.1 जो है वो दो फार्मूला से बन जाएगा, पहला कौन है, ये जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, तो ई बाई एफ है, ठीक है, तो ई बाई एफ मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, तो ऊपर जो है वो किसका पार्टी रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पर पी लगा हुआ है तो आप यहाँ पर पी लगा दीजिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ, तो ये समझिएगा कि यहाँ पर बटा में एफ है ना, तो यहाँ पर भी बटा में एफ लिख दीजिएगा, आया समझ में। अब आप देखिए इस चीज़ को एकदम आराम से समझिए, ये चीज़ समझ गए ना, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ जो है आप इसको एफ इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एफ बाई ई रहता, ओके, तो आप इसको ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं, ओके, आ रहा समझ में, और नीचे जो रहेगा वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन इसका यूज नहीं होता है, ये समझने के लिए है, ओके, सबसे ज़्यादा यूज किसका होगा, इसी का, ई बाई एफ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ई इंटरसेक्शन एफ बाई यहाँ पर पी लिखिए और यहाँ पर एफ लिख दीजिए, इस तरह से, आगे समझ में दोस्तों। चलिए अब आता है, ये चीज़ तो हो गया ना, एक और फार्मूला है, एकदम आराम से देखिएगा उसको, इसका यूज करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये चिन्ह आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर ये क्या है, यूनियन है, ठीक है, यूनियन, तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दे दिया गया है, तो इसका माने क्या होता है, कैसे निकलेगा ये, तो देखिए यहाँ पर पी ई लिख दीजिए, प्लस प्लस लिखिएगा, और फिर इसके बाद पी एफ लिख दीजिए, और फिर इससे माइनस हो जाएगा कौन, इसका जस्ट उल्टा कौन होता है, इंटरसेक्शन, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का उल्टा यू, ओके, अगर आपको यूनियन निकालने के लिए दे दिया गया तो
तो आप ये फार्मूला का यूज़ करिएगा। कुछ कुछ आया होगा आपको समझ में दोस्तों, चलिए एकदम आराम से समझना है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्सरसाइज पर आते हैं और जो भी कुछ नया नया चीज़ मिलेगा देखने के लिए उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला आपके माइंड में आ गया है ना, तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है भाई? तो गिवन डैट ई एंड एफ आर इवेंट, यहाँ पर बोला गया है कि ई और एफ जो है ना वो क्या है कि इवेंट है, ठीक है, दोनों इवेंट है लेकिन दोनों अलग अलग इवेंट है। सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एंड देखिए इंटरसेक्शन का भी दे दिया गया है, लेकिन सब तो दे ही दिया गया, तो निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो याद करिए दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये चीज़ दिया हुआ है ही, आपके पास ये चीज़ दिया हुआ है, तो कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं ना दोस्तों, और ये भी आपको माइंड में रखना है क्योंकि इसका भी यूज़ आएगा। आया समझ में? बहुत ही ईजी है, बस आपको नीचे बटा पर ध्यान देना है, जो भी यहाँ रहेगा फटाक से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं 13.1 को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। गिवेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3, और यहाँ पर एक दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना हम लोग को दोस्तों, क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ये बीच में जो देख रहे हैं ना लाइन, वो क्या है, बटा है दोस्तों, ठीक है, ई बटा एफ, ओके, ये आपको फाइंड करना है। और कौन फाइंड करना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा ई। तो अब देखिएगा कि रियली ये क्या आ गया, तो हम आपको बताया है ना कि एकदम सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, एफ बाई ई है ना फॉर्मूला, तो चलिए बनाते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, आराम से बन जाएगा, हम लोग को तो फार्मूला पता ही है ना। देखिए अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले ये, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है जी, फार्मूला होता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या है, इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे क्या है एफ, जो नीचे रहेगा दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा। आया समझ में दोस्तों? अब चलिए, अब हमको सबसे पहले तो ये निकालना है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो हम बच्चे की तरह एकदम आराम से उस पर पुट करेंगे और निकाल देंगे। तो देखिए इसका वैल्यू हमको पता है कि 0.2 है, रखिए वहाँ पर, और इसका वैल्यू भी पता है हमको 0.3 है, वहाँ पर रख दीजिए। अब इसका पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 और ये 10 काट दीजिए, तो यहाँ पर 2/3 बचा ना। आया समझ में? 2/3, तो चलिए ये हम तो निकाल लिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा, कि आपको भाई साहब ये निकालना है, तो आप निकाल लीजिए एफ बाई ई इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आप इसको ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी, आप एफ इंटरसेक्शन ए लिखिए चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए, दोनों जो है सेम ही होगा, ठीक है, तो आप ई इंटरसेक्शन एफ ही रखिएगा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ओके। बस आपको नीचे वाले पर ध्यान देना है, जो भी नीचे रहेगा वही चीज़ यहाँ पर लिखाने वाला है। आया समझ में? यहाँ पर ई है तो हम यहाँ पर ई लिख दिए, उस केस में एफ था तो हम एफ लिख दिए थे, क्लियर है सब चीज। चलिए बनाते हैं एफ बाई ई, अब हमें ये वैल्यू पता है, क्या है वैल्यू इसका, इसका वैल्यू है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू है 0.6, तो उसको रख दीजिए। अब यहाँ पर पॉइंट हटाइएगा तो 10, यहाँ पर पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर भी 10, 10 काट दीजिए, 2/6,
तो ये भी कटेगा, वन और ये थ्री, टू थ्री जा सिक्स होता है, वन बाई थ्री। क्लियर आ गया समझ में दोस्तों? चलिए हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया है, एक का आया है टू बाई थ्री और एक का आया है वन बाई थ्री। और भी कुछ निकालना है क्या? अब देख रहे हैं कि और कुछ नहीं निकालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि कंप्यूट करिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। देखिए अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे वहाँ पर आप ई और एफ ना देखे थे, अब यहाँ पर ए और बी देखिए। तो यहाँ पर ए जो है वो एक तरह का इवेंट है और बी जो है वो दूसरे टाइप का इवेंट है। ओके क्लियर है? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ई और एफ ही नहीं रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड वाई जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। क्लियर, चलिए इसको भी बना लेते हैं। सेकेंड नंबर में कंप्यूट करना है ए बाई बी। ओके यही आपको निकालना है दोस्तों, और आपके पास गिवन दिया गया है इज इक्वल टू व्हाट। गिवन में आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए हमारे पास मात्र इतना ही सुन दिया गया है और हमें ये निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है हम तो जानते हैं, तो देखते हैं, चलिए रखते हैं उसके जगह पर a बाई बी रखें। तो यहाँ पर a बाई बी का बात किया गया है, तो हमको उसी तरह का यहाँ पर रखना पड़ेगा जैसे हम लोग e और f रखते थे ना, अब उसके जगह पर a और b रख देंगे। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन मतलब समझ में आ गया ना, दो सर्कल के बीच का पॉइंट ये है, ठीक है, इसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आप रखिए क्या, यहाँ पर बी है ना, तो आपको बी रखना पड़ेगा। अब आपको चेक करना है कि क्या क्या हमारे पास मौजूद है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि ये मौजूद है ही, ये भी मौजूद है, तो कितना इजी वे में निकल जाएगा, यही तो निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं ए बाई बी, इसके जगह पर रखिए 0.32, इसके जगह पर रखिए 0.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए तो दो ठो है ना, तो नीचे दो ठो जीरो यानी कि 100। अब इसका पॉइंट हटाइए तो ऊपर 10, एक जीरो कट गया, और इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 32, और इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 50। ये भी कटेगा 2 से, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ठीक है, और यहाँ पर 25। अब देख रहे हैं कि नहीं कटेगा, 16 बाई 25। अब आप चाहेंगे तो इसको पूरा भी काट सकते हैं या तो 16 बाई 25 भी लिख सकते हैं। अगर आप पूरा काटना चाहते हैं तो रफ में काट लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 25 से डिवाइड करना है भाई 16 में, ओके, तो ये तो इसके पास क्षमता नहीं है तो 0 पॉइंट बैठाना पड़ेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करिए तो 25 6 जा कितना होता है, 5 6 जा 30, 6 12 150, तो 6 रखे और यहाँ पर 10, अब एक और जीरो रखे तो 25 4 जा 100 होता है, ठीक है, तो 0.64 भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। क्लियर है? आ गया समझ में? तो आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू जो है वो 0.64 आ चुका है। ओके यही तो निकालना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए यहाँ पर दिया हुआ है। ओके तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और भी है जो जो निकालना है उसको हम लोग निकालेंगे। तो आप इस तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पहली बार देख रहे हैं, तो घबराना नहीं है, हमें तो फॉर्मूला पता है ना, ए बाई बी वाला है ना पता, तो हम आराम से निकालेंगे, और b बाई ए जो भी है वो हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि उस फॉर्मूला में इंटरसेक्शन आता है। ओके चलिए निकाल लेते हैं उसको भी जल्द से। 3 नंबर में है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, और एक दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। चलिए जी, हमें पहला फाइंड करना है दोस्तों, कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब इसको कैसे निकालेंगे? हमें फार्मूला पता है, क्या क्या पता है? फार्मूला पता है कि ए बाई बी होता है ये चीज होता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा मौजूद है? हमारे पास देख रहे हैं कि ए भी मौजूद नहीं है। क्या है ये मौजूद? यहाँ पर बी बाई ए है, यहाँ पर ए बाई बी है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों? जो हम लोग जानते हैं, बी बाई ए। इसी को घुमा दिए, घुमा दिए, ठीक है। अगर बी बाई ए रहता तो क्या होता? तो ये तो सेम ही रहेगा, बस नीचे वाला चेंज हो जाएगा, एक ए आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे बी लिखे था ना, तो वहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है हमारे पास मौजूद है, ये है ना मौजूद, ये नहीं है, यही तो निकालना है, और ये भी मौजूद है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ओके, हम ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए बनाते हैं। अब b बाई ए का वैल्यू हमें पता है कितना है, 0.4, है ना, और इसका वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है हमें, और इसका वैल्यू भी हमें पता है 0.8 है, ओके। आप इसको उस तरफ भेजेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको घुमा दिया जाए ताकि अच्छे तरीके से लगे देखने से। तो P A इंटरसेक्शन B बाई 0.8 इज इक्वल टू 0.4। अब इसको अकेला करते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये जो है उड़ करके उस साइड ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ तो पता होगा आपको, और फिर इसके बाद जो है इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए 4 8 जा 32, यानी कि 0.32 हो जाएगा, ये चीज़ तो आप जानते होंगे ना। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि ये भी आगे जा कर के काम आने वाला है इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है ए बाई बी, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। तो ए बाई बी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ए बाई बी का फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी बाई, नीचे बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दीजिए। तो हम अब चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये और ये है, अगर रहेगा वैल्यू तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना दोस्तों। तो देख रहे हैं कि अभी अभी तुरंत निकला है इसका वैल्यू, और ये पहले से क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, ओके। तो हम उसके जगह पर आराम से रखेंगे और बच्चे की जैसा सॉल्व कर देंगे। अब इसका वैल्यू है 0.32 और इसका वैल्यू है 0.5, तो वहाँ रखिए और बनाइए। इसका पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके आगे का स्टेप है कि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 32 ही होगा, और 5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा। इसको भी काट दीजिए, ये देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 25, जैसा कि अभी आपने देखा होगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि ऐसा ही चीज आया था, आया था ना, 25 से 160 16 को डिवाइड किए थे तो आया था कितना दोस्तों, 0.64। ये जीरो जो है आपको पता ही होगा किस लिए लिखे थे। चलिए इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया दोस्तों, 0.64, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों का हम लोग वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लिए, कितना मजा आ रहा है ना, इतना इजी है। अब जो है ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन, यानी कि यू जो है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। थर्ड नंबर में
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसा कि हम आपको बताए थे इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और फिर माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर ई और एफ रहता तो आप यहाँ पर ई लिखते, यहाँ पर एफ लिखते, और पता ही है यहाँ पर ई और एफ लिखना है। ओके, अब आपको चेक करना है कि क्या क्या हमारे पास है, क्योंकि इसको निकालने के लिए सब चीज़ रहना चाहिए, रहना ना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या है जी हमारे पास, क्या क्या है। थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, बी भी है, और ये इंटरसेक्शन भी हमने निकाल ही लिया था, निकाल लिया था ना, हम आपको बताए थे ना कि आगे जाके ये काम आने वाला है। तो आप इसके जगह पर रखिए और बनाइए इसका जो है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या है, यहाँ बुक से ही पता चल जाएगा, 0.8 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 0.5, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है 0.32। ओके, अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने आता है ना दोस्तों, अच्छे से ऐड करिएगा, पॉइंट वाला है, तो 0.8 और 0.5 इस तरह से ऐड करिएगा। बहुत लोग होते हैं ना कि डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं और 0.13 लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो 8 5 13 होता ही है, तो 3 और इधर 1 चला जाएगा, पॉइंट है, तो 1.3 इस तरह से आप लिखिएगा। ओके, है तो बहुत इजी, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, तो इसीलिए अच्छे तरीके से आप इसको ऐड करिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1.3, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे भाई करें, तो 0 पॉइंट तो लिखिए ही, अब यहाँ पर ये 3 2, इसके आगे इसमें 0 भी तो लिख सकते हैं आप, इस तरह से आप घटाइए, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कट जाएगा इसके पास, मतलब कि 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाइएगा तो 9, और इससे कर्जा लिया था तो 0.98, ठीक है। तो 0.98 जो है ना वो ए यूनियन बी आ चुका है। तो हमने तीनों क्वेश्चन को आसानी से निकाल लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर इवेल्युएट करना है पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ निकालना है जो अभी हम तुरंत निकाले हैं, ए यूनियन बी, और आपके पास मौजूद है यहाँ पर 2p यानी कि 2 गुना, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ बनाया जाए जी, चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, 4 नंबर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अब हमारे पास क्या क्या गिवन दिया गया है, गिवन है 2p प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, यानी कि आप समझ रहे हैं इसके कहने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना वो तो 5/13 है ही, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13। ओके, चलिए कोई बात नहीं, और आगे क्या है, और आगे जो है वो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी दे दिया गया है आपको 2/5। ओके, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको पहले अरेंज करके अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13। ओके, और देखिएगा आराम से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो हम ये 2 को उड़ा करके उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा, तो 5/13, और ये जब 2 उड़ के उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा क्योंकि ये ऊपर है ना, इसीलिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5/13 2 जा 26। ओके, यानी कि ये 5/26 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके,
तो इस तरह से मत लिखिएगा, यहाँ पर इस तरह से लिखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जो है, यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा, 5 पाई 26। ठीक है, हम थोड़ा पेज बचा लिए, ये चीज़ आ गया समझ में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिएगा सिर्फ इज इक्वल टू 5 पाई 26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 बाई 13। चलिए जी, अब हमें निकालना क्या है, ये तो हमने लिख लिया जो जो हमारे पास गिवन दिया गया है, इसको भी लिख ही लीजिए। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हाँ जी, ए यूनियन बी का हमें फॉर्मूला पता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या क्या मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है, लेकिन ये मौजूद नहीं है, तो हमें इसको पहले फाइंड करना होगा। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो हमको मदद करेगा कौन सा फॉर्मूला, ये मदद करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका माने क्या होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम देख रहे हैं कि ये मौजूद है, ये मौजूद है, तो तीसरा तो निकल ही जाएगा, एक मिसिंग है और सब मौजूद है, तो आराम से निकल जाएगा ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, कितना आसान है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना, यही है प्रोबेबिलिटी, कितना इजी है बताइए ना। इसको आप स्पीड में बनाइएगा तो गर्दा उड़ जाएगा इसका, तो पूरा धाएं धाएं बन जाएगा, है ना। तो अब आपको करना ये है कि सबसे पहले ये फाइंड करना है, तो इसके जगह पर रखिए, इसके जगह पर रखिएगा क्या, 2 बाई 5, क्लियर है। और इसके जगह पर हमें पता ही नहीं है तो हम कुछ नहीं रखेंगे, और इसके जगह पर रखेंगे 5 बाई 13, क्लियर है। चलिए, एकदम घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जैसा हम लोग को आता है हम वैसे ही बनाएंगे। हम सबसे पहले इसको घुमाएंगे पहले, चलिए घुमा दीजिए, चलिए भाई घुमा दिए और इज इक्वल टू 2 बाई 5 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसको जल्दी से जल्दी अकेला करिए, इसको अकेला करेंगे ना तभी ना निकलेगा इसका वैल्यू। तो चलिए अकेला हम कर दिए, 2 बाई 5 भी लिख दिए। अब बोलेंगे कि भाई 5 बाई 13 कहाँ गया भाई, तो 5 बाई 13 जो है वो उड़ के उधर चला गया। ठीक है, तो जैसे ही ये उधर जाएगा, जैसे ही ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो 5 बाई 13 है। ओके, 5 बाई 13 है। अगर समझ लीजिए कि ये मात्र एक डिजिट रहता, ये उधर जाता तो ऊपर चला जाता, ऊपर चला जाता ना, तो वैसे ही जस्ट ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, जो भी रहेगा बस आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ इसको भेज देना है। ठीक है, आ रहा समझ में, ये पहले से तो नीचे है ही, ये पूरा चीज जब उधर जाएगा तो ऊपर चला गया 5 बाई 13। अब ये 5 और ये 5 को काट दीजिए, बचा हमारे पास 2 बाई 13, क्लियर है। आगे समझ में, 2 बाई 13 को आप डिवाइड भी कर सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज हो रहा है, तो आप क्या करिएगा कि ये तो एक केस था, दूसरा केस से भी सीख लीजिए। ठीक है, इसी चीज को हम दूसरा टाइप से बना रहे दोस्तों, तो हम यहाँ से छोड़ के गए थे, इसी चीज को हम दूसरा बार बना रहे हैं दूसरे हिसाब से, जरूर, क्योंकि मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको निकालना है ये चीज, निकालना है ना, तो पहले इसको घुमाइए, तो इंटरसेक्शन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये हम लोग घुमा दिए, और फिर इसके बाद जो है ये निकालना है ना, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ये चीज़ उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर जा करके, आ रहा समझ में, इस तरह से। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तरह तरह से बनाने आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बस एग्ज़ाम में।
तो ए बाई बी का फॉर्मूला हमें पता है, क्वेश्चन गिवन दिया गया था 2/5, तो 2/5 और इसका भी वैल्यू हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितना है, 5/13, यानी कि 5/13। तो इस तरह से आप लिख दीजिए, और इधर से भी बनाए तो 2/13 आया, और इस तरह से भी बनाए थे तो 2/13। तो दोनों तरफ से सीख लीजिए, मात्र एक मिनट तो लगा इसको बनाने में, है ना, और सीख भी लिया इजी वे में। लेकिन सबसे इजी कौन लग रहा था दोस्तों, ये, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ ऊपर जाएगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, तो आप इस तरह से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया है, ये चीज़ मिल चुका है, अब हम आराम से रखेंगे उस फार्मूला पर। इट इज़ नोन डैट, फार्मूला जो है वही लिख रहे हैं, तो फार्मूला ए यूनियन बी ही ना निकालना है, तो फिर से लिख लीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए पता है, क्या है पता, यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखेगा, 2p है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला हमको पता है 5/26, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी वैल्यू हमको पता है 5/13, और इसका अभी हम तुरंत निकाले हैं, माइनस यही ना निकला था, आ रहा समझ में, यही निकला था 2/13। अब बताइए इसको आप कितना आराम से बना सकते हैं ना, एलसीएम लीजिए और जोड़ घटाओ कर दीजिए। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा ना, एलसीएम तो लेना जानते होंगे, तो 26 आएगा, 26 से डिवाइड करिए 1 बार में, और ये 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 10, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्लियर। अब जोड़ घटाओ एकदम आराम से कर दीजिए, तो इसको देख रहे हैं, इधर प्लस इधर प्लस, 15 हो गया, 15 में से 4 को घटाइएगा तो 11/26, ओके क्लियर है, आ गया समझ में। तो हमारा जो ए यूनियन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/26 आ चुका है। अब हम और भी है क्या क्वेश्चन में कुछ निकालना, और भी कुछ नहीं है, बहुत इजी था, हाँ जी, क्या है, 4 नंबर है कि 5 नंबर है, 5 नंबर, देखिए 5 नंबर में क्या है ना, कि बहुत इजी है, एकदम आराम से बन जाएगा, जो जो लिखा हुआ है ना उसको एकदम उतार लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू उतर गया है, और ए यूनियन बी भी उतर गया है यहाँ पर। चलिए जी, का का निकालना है, पहला नंबर आपका निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कौन कौन सा फार्मूला जानते हैं, ए बाई बी का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फार्मूला हमको पता है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है, तो हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। और देख रहे हैं कि ये चीज़ तो हम लोग को यहाँ पर निकालना ही है, ये भी नहीं पता है, सिर्फ एक ही चीज़ पता है जो कि यहाँ पर मौजूद है 5/11। तो आप ही बताइए कि दो चीज़ हमारे पास नहीं है मौजूद, तो हम निकाल पाएंगे, हमारे पास बहुत चीज़ मौजूद रहता, लेकिन अगर दो चीज़ मौजूद नहीं ना रहेगा तो हम कितना भी कोशिश कर लेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, ये तो हमारा फेल हो चुका है, ये फार्मूला फेल हो गया यहाँ पर। तो हम जान रहे हैं कि एक फार्मूला और है, वो कौन सा फार्मूला है, देखिए अभी अभी आपने पढ़ा होगा ये चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं कि क्या ये हमारे पास मौजूद है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मौजूद है, ये है, ये है, हाँ भाई दोनों मौजूद है, तो ये है ही, ये है ही, ये है ही, मात्र ये नहीं है, तो आप ही बताइए कितना आराम से निकल जाएगा ना। तो हम देख रहे हैं कि इस फार्मूला हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, इसी पर काम करते हैं और निकालते हैं। इसका वैल्यू हमें पता है 7/11, तो 7/11 उसके जगह पर रख दीजिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू भी पता है 6/11,
5/11, 6/11, 5/11, ठीक है। और ये वैल्यू हमें नहीं पता है, यही तो निकालना है ना, यही चीज़ है। तो हम देख रहे हैं कि हमको ऐसा बहुत टेंशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको घुमा देंगे ना। क्यों? क्योंकि इसको अकेला करेंगे इस साइड, तब अच्छा लगेगा बनाने में। तो चलिए घुमा दीजिए। तो 6/11 है प्लस 5/11 है माइनस पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/11, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये चीज। तो इसको अकेला करना ना पड़ेगा, तो अकेला करिए। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो भी इज इक्वल टू के बाद रहेगा ना उसी को लिखिएगा, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर 7/11 है, उसको आप लिख दीजिए। ये चीज़ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसके आगे प्लस था, और ये चीज़ भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/11। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए नीचे सब जगह 11 11 11 है, तो इसका एलसीएम 11 निकल जाएगा, और ऊपर सबका सेम ही होगा। कितना इजी है ना दोस्तों। अब इसको जोड़ घटाव कर दीजिए, बहुत ही इजी है। इसमें से देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, इसको ऐड करिएगा तो 6 और 5 11, ओके। अब इसमें से घटा दीजिए, इसमें से जब घटाइएगा ना तो बचेगा -4/11, ओके। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हम तो यही चाहते थे कि माइनस कैसे ख़त्म हो, तो माइनस जो है वो ख़त्म हो चुका है, माइनस माइनस कट गया, ओके। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आया हमारे पास 4/11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों। अब हमारा कौन सा है, अब ए बाई बी निकालना है, तो ए बाई बी निकालना है। याद करिए कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला, ठीक है ना, जो अभी फेल हो चुका था वो फार्मूला। तो अब हमें निकालना है ए बाई बी, तो हम तो यूनियन वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें ए बाई बी आता ही नहीं है, नहीं ना आता है। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, हम जान रहे हैं कि ए बाई बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये चीज़ निकालना है, तो क्या हमारे पास दोनों चीज़ जो है वो मौजूद है, तो हम देख रहे हैं कि अभी अभी तुरंत ये निकला है 4/11, और ये तो पहले से ही मौजूद था ना मौजूद। देखिए कितना इजी है, बाप रे बाप, 12th क्लास में इतना इजी पढ़ना है, बहुत इजी है दोस्तों। तो यहाँ पर रखिए 4/11 बटा ये वाला बटा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है अभी अभी हम आपको दिखाए थे कितना था 5/11। अब इसको आप बनाइए, तो 4/11 है ये जो है, आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिएगा तो जो भी नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, 11 11 कट गया और 4/5 बच गया। तो इतना ईजी था ना, 4/5, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और कौन सा है जी, और जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है, तो इसको भी उसी तरह से निकाल देते हैं, और क्या, थोड़ा तेज़ी से बनाया जाए, हाँ हाँ बनाया जाए। बी बाई ए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या है ए ना, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है क्या, तो हाँ है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, और इसका ये वैल्यू पता ही है, अभी अभी तुरंत निकाले थे थोड़ा देर पहले, इंटरसेक्शन का निकाले थे ना। तो रखिए और बनाइए, बहुत ही इजी है ना, कितना इजी है। इसके जगह पर रखिए 4/11, और इसके जगह पर रखिए कौन सा, 6/11, उसी तरह से इसको ही बना देते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए, 11 ऊपर गया 6 नीचे आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 आ गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 2/3, ओके। तो तीनों क्वेश्चन लगता है बन गया है, हाँ जी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ निकालना है क्या,
डिटरमाइन ही क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। ओके ओके ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अब जो जो क्वेश्चन आने वाला है ना 6 से लेकर के 9 तक, वो आपका जो है ई और एफ से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, जानते हैं ना उसका फार्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फार्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये जब निकालना है तो आपके पास ये दोनों मौजूद रहना ना चाहिए, 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है भाई, अब ये नया टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। कोई बात नहीं, आप हिंदी मीडियम से हैं दोस्तों, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 times, ये तो आप जान रहे हैं ना। तो इसमें इसके पहले देखिएगा, जो हम आपको पहले शुरू में बताए थे ना, जैसे स्टार्ट हुआ था ये एक्सरसाइज, यही है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि जो सैंपल स्पेस है, जो हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस का मतलब कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, भगवान ना करे कि आपका 0% आ जाए या 1, 2, 3, 4, 5% आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या क्या आ सकता है, आ रहा ना समझ में, क्या क्या आ सकता है। तो एग्ज़ाम में 0% भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 68%, 75%, 86%, 99%, 100% कुछ भी आ सकता है, यानी कि 0 से लेकर के 100% तक आ सकता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पर टॉस को उठाया है। ठीक है, टॉस को उठाया तो 3 बार ना उठाया है, तो हो सकता है कि 3 बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आया हो, 1 बार टेल आ गया, और 1 बार हो सकता है कि पहला चांस में हेड आ गया, दूसरा चांस में टेल, और तीसरा चांस में हेड आ गया। तो उसी तरह से चांस को लिख दिया गया है कि क्या क्या आ सकता है, जो कि आप जानते हैं बहुत ही इजी है, जानते हैं ना। तो यही चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे कि लिखिए कि इफ ए क्वाइन टॉस्ड 3 times, एक क्वाइन को जो है 3 बार जो है टॉस किए। ठीक है, तो उसका जो सैंपल स्पेस है, देन द सैंपल स्पेस क्या हो सकता है भाई, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो आ सकता है कि 3 बार हेड आ गया हो, 2 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, और दूसरा बार में हेड टेल जो है वो बीच वाला में आ गया होगा, फिर तीसरा बार में टेल पहले ही आ गया होगा। ठीक है, जो जो कंडीशन है ना उसको हम लोग एकदम आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, टी एच एच लिख लीजिए, एच टी एच लिख ही लिए हैं, फिर इसके बाद टी एच टी लिख लीजिए, एच टी टी लिख लीजिए, फिर टी टी एच लिख लीजिए, फिर 3 बार जो है वो आ गया होगा टेल। यही ना हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यानी कि 8 जो है वो क्या है दोस्तों, एलिमेंट है। ठीक है, कि भाई एक एलिमेंट में ये आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये हमने पूरा लिख लिया कि इतना हो सकता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि ई जो है ना वो एक तरह का इवेंट है और एफ भी जो है वो एक तरह का इवेंट है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है ई, एकदम आराम से देखिएगा, हेड जो है ना, हेड ऑन 3rd toss। देखिए ये पहला टॉस हुआ जो कि हेड आया, दूसरा टॉस हुआ हेड आया, तीसरा टॉस हुआ तो हेड आया। आपको यहाँ पर बताना है कि हेड जो है वो यहाँ पर वैसा चीज़ को खोजिए जो कि हेड जो है वो तीसरा बार जब टॉस किए थे तब आया हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
एक बार इसमें भी तो है, पहला बार किया, दूसरा बार किया, तीसरा बार किया, तो तीसरा बार हेड यहाँ पर है, इसमें नहीं आया है, तो इसको छोड़ देंगे। देख रहे हैं, हाँ इसमें आया है तीसरा बार हेड, इसमें भी आया है, और किस में आया है, इसमें भी आया है, ठीक है। एक दो तीन और चार, यानी कि इसमें चार ऐसा एलिमेंट है दोस्तों, जो कि हेड जो है वो तीसरा बार जब उछाले थे ना सिक्का को, तो आया था, ठीक है। ये तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से। और जो नंबर ऑफ इवेंट जो है यानी कि एफ, वो क्या है जी, एफ में बोला जा रहा है कि हेड जो है, पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट टू टॉसेस। देखिए अब यहां पर बोला जा रहा है कि आपको हेड जो है वहां बताना है, जो कि पहला और दूसरा, फर्स्ट टू यानी कि पहला और दूसरा वार में हेड आया हो, ठीक है। तो पहला भी हेड आना चाहिए और दूसरा भी हेड आना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा है ही मौजूद, हेड हेड, दूसरा यहाँ पर भी हेड हेड, और कोई है क्या, नहीं है, नहीं ना है, तो एक ये और एक ये मात्र, पहला और दूसरा बार हेड आया हो, ओके क्लियर है। तो जो जो है ना उसको आप लिख लीजिए, तो लिखिए इस तरह से कि ई जो है, ई जो है यहाँ पर हेड ऑन थर्ड टॉस, तो हेड ऑन थर्ड टॉस ये है, जो जो है एकदम आराम से लिखना है, ये चीज़ था एच टी एच, पहला क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझिएगा दोस्तों, और आपका ये भी हो जाएगा जिसमें हम दाग दाग लगाए हैं ना, वही वाला, ये भी है टी टी एच, एक दो तीन चार, ठीक है। ये आपका इवेंट ई हो गया, और इवेंट एफ जो है उसमें क्या है कि पहला और दूसरा जो है हेड आना चाहिए, तो ये है मात्र और ये है मात्र, तो लिख लीजिए उसको एच 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 और एच एच टी, और कोई नहीं ना है ऐसा। चलिए जी, देखिए दोस्तों हम लोग को निकालना है यहाँ पर क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, जो कि आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है क्या, इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही ना होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ ई और एफ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ये निकालना चाहिए और ये निकलने आना चाहिए, आ रहा समझ में। तो इसका मतलब हम आपको शुरू में बताए भी थे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो देखिए ई और एफ में जो दोनों में एक समान हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि एच 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 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि कॉमन, याद है कॉमन बताए थे ना, एक सर्कल टाइप से बताए थे, जो कि इसके बीच का ये एरिया क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके। तो एच 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 इसमें भी, एच 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 इसमें भी, एच एच टी खोजिए इसमें है क्या कहीं, एच एच टी एच एच टी एच एच टी नहीं है, तो मात्र एक ही निकला है, एक ही ना निकला है, तो इंटरसेक्शन किस तरह से लिखेगा, ई अभी एफ मत लिखेगा, सॉरी पी मत लिखेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मत लिखेगा अभी, ठीक है। अभी सिर्फ क्या लिख रहे हैं हम लोग, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें से कौन कौन सा है कॉमन, सिर्फ एच 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 है, ओके एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी इसमें लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल मिला करके है कितना, कुल मिला करके है आठ, वो नीचे कुल मिला करके जो भी है वो आप लिखिएगा, ठीक है, डेनोमिनेटर में एट, ठीक है। और यहाँ पर जो है आया है कितना, यहाँ पर एक ही एलिमेंट आया है मात्र, कौन सा, एच एच एच, अगर आता और भी दूसरा एच टी टी एच जो भी आता, तो तीन तो आता, तो एक दो तीन आता ना, तो आप यहाँ पर लिखते तीन, आया समझ में। किसके बारे में लिख रहे हैं आप, ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में लिख रहे हैं, उसी का ना लिख रहे हैं, तो कितना आया है, वन बाई एट, ओके क्लियर है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो कितना होगा,
कुल मिला करके है 8। अब उसमें देखना है कि कितना एलिमेंट है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में एक तो ये एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये है, तो दो ही एलिमेंट है ना, तो आप उसको इस तरह से लिख दीजिए। और ये देख रहे हैं कि कट रहा है 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो कितना है दोस्तों, 1/4। तो हमने ये निकाल ही लिया है वैल्यू, हमने ये भी वैल्यू निकाल लिया है, तो हम क्यों ना इसके जगह पर रख करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल लें आराम से। चलिए अब निकाल लेते हैं जल्दी से, अब तो निकल जाएगा ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया जाए। धीरे धीरे समझने से जो है ना एक ही बार में दिमाग में आ जाता है ये चीज़। क्या है ये चीज़? 1/8 है, लिख लीजिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो कितना है? 1/4 है, लिख लीजिए। अब ये तो आप बना सकते हैं, 1/8 इंटू 4 जो है ऊपर चला गया 1, यानी कि 1/2 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो हम बहुत ही आसानी से ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ 1/2 वैल्यू आ चुका है। अब ऐसा है कि इसी तरह से हम लोग आगे अब बनाएंगे स्पीड में। ठीक है, सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है कि ई जो है ना एट लिस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है, 2 हेड्स होना चाहिए भाई। और एफ में जो है ना वो बोला जा रहा है कि एट मोस्ट, हाँ जी, ज़्यादा 2 हेड्स। चलिए अब ऐसा है कि इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है, और उसी के हिसाब से चलना है। ओके, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए हैं तो इसी के हिसाब से अब हम लोग बनाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है आपको अब ध्यान देना ये है कि ई का कितना एलिमेंट आएगा। तो ई में बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम उसमें 2 हेड होना ही चाहिए बाबू, ठीक है ना, 2 हेड होना चाहिए। तो कौन कौन सा है? ये तो है ही, तो लिखते चलिए साथ में, ठीक है। HHH, क्योंकि इसमें कम से कम 2 हेड है, इसमें भी है 2 हेड, है ना। HHT, इसमें भी है 2 हेड, है ना, 2 हेड। HTH, इसमें भी है 2 हेड, ओके। और इसमें लेकिन 2 हेड नहीं है, THT में नहीं ना है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो 4 एलिमेंट में जो है 2-2 हेड कम से कम है ना, आ गया समझ में। और F का क्या लिखेंगे? F में बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हेड। तो क्या ये HHH लिखाएगा? तो देख रहे हैं कि इसमें 3 एच है, तो यहाँ पर बोला था कितना कि रेंज जो है रहना चाहिए सीमित 2 ही हेड तक, तो ये चीज़ नहीं लिखाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये नहीं लिखेंगे और बाकी सब लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 1 है, तो 1 को भी तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एच होना चाहिए, ठीक है, लिमिट बना दिया गया है। तो सिर्फ इसको छोड़ा करके सबको लिख देंगे। अब आप बोलिएगा कि TTT को क्यों लिख रहे हैं भाई? तो TTT को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि हेड का संख्या जो है खूब से खूब 2 रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो बाकी का जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी से, HHT HTH THH, और क्या है, THT HTT TTH, और एक है TTT, ठीक है। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यानी कि HHH को छोड़ा करके बाकी सब, ठीक है ना। तो अब इसका आप निकाल लीजिए आराम से, क्या क्या निकालिएगा पता है ना, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ई और एफ में क्या क्या कॉमन है, देख रहे हैं कि ये चीज़ है ही नहीं इसमें। HHT है क्या? देखिए तो HHT है, लिखिए। और कौन सा है? HTH है,
HTH है ना, लिख दीजिए THH है, THH भी शायद होगा ही, THH यहाँ पर, ठीक है। तो जो जो कॉमन था उसको हमने लिख लिया यहाँ पर, 1, 2, 3 जो है वो कॉमन है। तो अब आपको यहाँ पर ये करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। आ रहा है ना सर, में क्यों निकालेंगे पता है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ में ये चीज़ रिक्वायरमेंट है इसलिए। तो 1, 2 पूरा मिला करके कितना दोस्तों, 8 आया, कितना एलिमेंट इसमें, 1, 2, 3, तो 3/8, ओके क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने के लिए, क्योंकि नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसके पहले वाले फार्मूला में आपको दिखाए थे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में देखना है कुल मिला करके तो 8 होगा ही, और एफ में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 लिख दीजिए, ओके ये चीज़ हमने लिख दिया। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही ना निकालना है। तो इसका वैल्यू भी पता है हमको 3/8, इसका भी वैल्यू पता है 7/8, आराम से बनाइए 3/7, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू ई बाई एफ है 3/7 आंसर, ओके क्लियर है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं, वो भी बहुत इजी है, बन जाएगा आराम से। देखिए अब हमारा जो थर्ड नंबर है उसको भी अब तेजी से लिखते हैं दोस्तों, ये चीज़ तो आपको अब समझ में आ गया होगा, थोड़ा तेजी से बनाया जाए। एट मोस्ट 2 टेल्स, और एफ में जो है एट लीस्ट 1 टेल, ओके। यानी कि कहने का मतलब ये है, दिखाया जाए ही है ना, देख रहे हैं E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, एट मोस्ट 2 टेल। भाई साहब बात ये है ना कि यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल रहना चाहिए, ओके उससे कम आप ले सकते हैं, हेड ले सकते हैं, लेकिन टेल जो है वो 3 नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। बोला जा रहा है कि टेल जो है वो 3 नहीं होना चाहिए और बाकी सब हो रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेल 2 ठो रहना चाहिए। तो जो जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, तो भाई हेड 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 हम लिख सकते हैं, HHH लिखिए, HHT लिखिए और HTH लिखिए और THH लिख दीजिए, THT भी लिख सकते हैं आप, 2 ठो हो गया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर भी है 2 ठो, HTT TTH, लेकिन आप TTT नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बता दिया कि ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ठो ही टेल होना चाहिए। तो चलिए हमने नंबर ऑफ इवेंट ई जो है वो तो निकाल लिया, अब नंबर ऑफ इवेंट एफ भी निकालेंगे। एफ में क्या बोल रहा है दोस्तों कि एट लीस्ट कम से कम 1 टेल, सॉरी ऑन टेल लिख देते, सॉरी 1 टेल दोस्तों, कम से कम एक बार टेल तो आना ही चाहिए, आ रहा ना समझ में। तो ऐसा कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, जो जो है उसको लिखते हैं चलिए जल्दी से। तो भाई HHT हो जाएगा, HTH हो जाएगा, THH हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 बार आ गया है, ठीक है, हाँ नहीं 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 एट लीस्ट 1 टेल इसमें होगा दोस्तों, कम से कम बोल रहा है, कम से कम आ रहा है ना सर में, तो ये होगा। तो भाई लिखिए, इसमें 2 बार आ गया तो और अच्छी बात है कि भाई चलिए और ज़्यादा आ गया, कम से कम रहना चाहिए बोल रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि कम से कम आपके पास 2 रुपया रहना चाहिए, तो अगर 5 रुपया है तो और अच्छी बात है, ठीक है। THH, THT और
HTT और कौन सा है, TTH, सब हो जाएगा, यानी कि खाली ट्रिपल H को छोड़ा करके, और ये TTT, ओके बस यही तो लिखना है, ओके। चलिए अब हमको ऐसा करना है कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो आप आराम से निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए खाली एच 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 को छोड़ा करके सब है, यानी कि इसमें देखिए एच एच टी भी है, लिखते जाइए एच एच टी, एच टी एच भी है, टी एच एच भी है और टी एच टी भी है, यानी कि लगभग सभी है, एच टी टी भी है, टी टी एच भी है, ओके। कहता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होगा इसका, होगा बहुत ईजी है, कुल मिला करके कितना है, कुल मिला करके 8 है, ठीक है, और यहाँ पर है कितना, 1 2 3 4 5 6, तो आराम से 6 लिख दीजिए, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखिए आप आराम से काट लीजिए, 2 3 6 2 4 8, तो बहुत ही आसानी से हमने 3/4 को निकाल लिया है, ओके। तो हमारे पास ये तो निकल गया, अब बारी है इसका वैल्यू निकालने का, इसको भी हम आसानी से निकाल लेते, तो जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कितना है, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो क्या होगा, तो एफ के केस में जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है एफ के पास, ठीक है, तो हो गया यहाँ पर 7/8। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू निकल चुका है, तो हम वहाँ पर पुट कर देंगे उस फॉर्मूला में। तो पहला फॉर्मूला है ये, इसका वैल्यू है 3/4, इसका जो है क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है ये है 7/8, तो 3/4 इंटू 8/7, ओके, 4 2 8 और ये 3 2 6/7, ओके, आ गया समझ में, कितना इजी था ना, बहुत इजी था, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ओके। तो चलिए ये तो हमारा आसानी से निकल गया, और भी है क्या कोई, तो तीसरा के बाद चौथा है क्या, तो नहीं है ऐसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 2 coins are tossed once, ठीक है, दो तरह का क्वाइन है दोस्तों, ठीक है ना, मान लीजिए 1 का सिक्का है 5 का सिक्का है, ठीक है, और उसको जो है दोनों को उछाला गया, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक है 1 का सिक्का, दो है दूसरा जो है वो 5 का सिक्का है, और दोनों सिक्का को एक ही बार जो है ना उछाला गया है, ठीक है, तो चलिए उसको पहले हम लोग उसका सैंपल जो है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस जो कहते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, और जो जो रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पार कर लेंगे। चलिए 2 coins are tossed once, ठीक है, तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो कितना आएगा, S इज इक्वल टू, देखिए दो बार उछाला गया है, या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, तो जो भी आएगा उसको लिख लेते हैं, ठीक है, या तो हेड हेड, ठीक है, और हेड और टेल भी तो आ सकता है, टेल और हेड भी तो आ सकता है ना, और टेल टेल भी तो आ सकता है, आ रहा ना समझ में दोस्तों, बहुत ही इजी था ये, तो बहुत ही इजी था लिखना, ठीक है, तो जो जो कंडीशन आ सकता है वो हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है।
अब सैम्पल स्पेस तो लिख लिए, जो पहला है क्वेश्चन उसको आप बनाते हैं। तो यहाँ पर ई जो है ना, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, कहता है कि टेल जो है ना अपीयर्स ऑन वन कॉइन। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये आपका पहला कॉइन है, ठीक है? तो पहला दूसरा कॉइन से आप किए थे, तो दोनों कॉइन में हेड हेड आ सकता है, और एक कॉइन में हेड आ गया, दूसरा कॉइन में टेल आ गया। इसी तरह से और भी है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, समझ सकते हैं ना? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टेल जो है ना, उस केस में आ रहा है जो कि एक ही कॉइन में आ रहा है। नहीं समझे? टेल अपीयर ऑन वन कॉइन्स, ठीक है ना? इसमें जो टेल है ना, उसमें एक ही बार आना चाहिए। तो कौन कौन सा है एक ही बार, कौन कौन सा आया है? तो इसमें तो नहीं है, टेल है ही नहीं, तो इसमें एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, आया ना, लेकिन इसमें दो बार आ गया है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? हम इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें दो ठो आ गया है। हमको लिखना है कि टेल, वैसा केस आप बताइए जो कि सिर्फ एक ही वार में आया है, एक ही गो में आया है, ठीक है? तो यहाँ पर एक ये है एच टी, और यहाँ पर एक टी एच है, क्योंकि इसमें एक ही बार टेल आया है दोस्तों, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, और लिख लीजिए कौन कौन सा हो सकता है। इज इक्वल टू एच टी और टी एच, बहुत ही आसानी से हमने लिख लिया। अब आता है एफ, ठीक है? यानी कि नंबर ऑफ इवेंट एफ। इसमें बोला जा रहा है कि वन क्वाइन सोज हेड, एक जो क्वाइन है ना, वन क्वाइन हेड, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक क्वाइन में यहाँ पर बताना है आपको कि हेड कितना गो में आया है, ठीक है? सिर्फ एक बार हेड, जैसे इसमें बताया था ना कि टेल का एक टेल ये था, एक टेल ये था, तो इसमें हेड आपको बताना है, तो हेड इसमें दो बार आ गया है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि वन क्वाइन बताइए जिसमें सिर्फ हेड आ रहा हो, ठीक है? वन क्वाइन बताइए जिसमें हेड आ रहा हो सिर्फ। तो एक बार ये आ रहा है एगो, और एक आप एक ये आ रहा है, ठीक है? तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें दो ठो है, इसमें ये लिखेंगे क्योंकि इसमें एक ठो है, वही लिखना है हम लोग को जिसमें एक ठो हेड आया है। तो लिखिए, इसमें भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है? एच टी और टी एच, क्योंकि इसमें इसमें हेड एक ही बार आया है, ठीक है? अब इसके बाद आपको पता है ना क्या करना है हम लोग को, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें दोनों में सेम सेम है, तो कॉमन आपका दोनों ही निकल जाएगा, क्योंकि एच टी और टी एच जो है वो दोनों में शामिल है ना? बहुत ही आसानी से निकल गया। अब हमारा जो फार्मूला है, जो हमको निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, यही ना निकालना है। तो हमारे पास ये मौजूद हो जाएगा, कैसे? इसके मदद से, ठीक है? और ये भी हमारे पास मौजूद हो जाएगा इसके मदद से। तो हम ऐसा करते हैं कि आराम से निकाल लेते हैं दोनों को, एकदम आराम से बनाना है, ठीक है? तो इसमें जो एलिमेंट है ई इंटरसेक्शन एफ में, कितना एलिमेंट है? दो। कुल मिला करके कितना है दोस्तों? एक दो तीन चार, ठीक है? तो फोर नीचे रख लीजिए, क्लियर है? बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया, 1/2। ओके, अब बारी आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का। इसमें भी जान रहे कुल मिला करके फोर है, ठीक है? टोटल नंबर कितना है? फोर। और इसमें एलिमेंट कितना है? दो ठो है ना, दो ठो। तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। अब आपको दोनों का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो वहाँ पर रखिए और बनाइए। इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 1/2। इसका जो वैल्यू है वो 1/2 है, 1/2 इंटू 2/1 हो जाएगा। तो आया कितना? 1 आया ना। तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमको क्या करना है, सेकेंड नंबर को बनाना है। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, बस आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, वही है बड़ी बात है, ठीक है ना? बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है।
चलिए सेकंड नंबर में क्या है कि ई जो है नो टेल अपीयर्स, इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? पहले हम लोग सैंपल स्पेस को देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है ना कि ऐसा आपको ऐसा केस रखना है जिसमें टेल आता ही नहीं हो, ठीक है ना, टेल जो है उसमें आया ही नहीं हो। तो ऐसा कौन सा है? सिर्फ मात्र हेड हेड है ना, क्योंकि इसमें टेल है ही नहीं, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें तो और ज़्यादा टेल है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ कौन सा रखेंगे? एच और एच, यानी कि हेड और हेड, ओके। और एफ क्या बोलता है? नो हेड अपीयर्स, सेम वैसा ही इसमें है, बस यहाँ पर क्या है, हेड लिखा गया टेल की जगह पर है। अब आपको वैसा केस खोजना है जिसमें हेड आया ही ना हो, ठीक है ना। तो टेल टेल साफ बात है ना दोस्तों, इसमें हेड आया है, इसमें तो और ज़्यादा है, इसमें हेड और इसमें नहीं आया है, तो हम टी टी लिख देंगे, ओके। आगे समझ में? अब ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको जो है इंटरसेक्शन नहीं मिल पाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए ये और ये अलग अलग है क्या? एच एच ई एच एच जो है एफ में शामिल है, तो देख रहे हैं नहीं शामिल है। क्या एफ जो टी टी है क्या इसमें शामिल है? तो देख रहे हैं कि इसमें कोई भी शामिल नहीं है जो कि कॉमन निकल सके, तो इसका कॉमन जीरो निकल गया, ओके। इसका कॉमन जीरो निकल गया। अब हमारा जो फार्मूला कहता है उसको एकदम आराम से जल्दी से लिखिए। फार्मूला कहता है ई बाई एफ निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, यही ना होना चाहिए, और ये निकल जाएगा बहुत ही इजी वे में। तो देखिए कुल मिला करके कितना है दोस्तों? फोर है ना। सैंपल स्पेस कितना है? फोर, एक दो तीन चार, फोर लिख दिए। अब आपका ए इंटरसेक्शन एफ कितना आया है? कितना एलिमेंट है? जीरो है, तो कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट जीरो, ठीक है। और अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को निकालने के लिए। तो इसमें जो है कितना है? इसमें वन है, तो वन बाई फोर लिख दीजिए, क्लियर। अब तो आ रहा होगा समझ में, फोर आपका सैंपल स्पेस यानी कि टोटल नंबर है, और यहाँ पर एलिमेंट कितना है इसमें? वन है, तो वन बाई फोर यानी कि वन बाई फोर ही होगा, ठीक है। और इसका अब फार्मूला पर रखिए और बनाइए। तो ये फार्मूला है, तो इसका वैल्यू पता चल गया हमको जीरो है, और इसका वैल्यू भी पता चल गया है वन बाई फोर है, ठीक है। तो कितना भी कोशिश करिएगा जीरो से मल्टीप्लाई करने में, फोर बाई वन कर लीजिए तो जीरो ही होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ आया वो कितना आ गया दोस्तों? जीरो आ गया, क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एट नंबर, उसी तरह का क्वेश्चन आगे भी है। देखिए एट नंबर में बोला जा रहा है कि एक डाई है, ए डाई इज थ्रोन थ्री टाइम्स। डाई देखे हैं ना, डाई किसको कहते हैं पता है ना? गोटी। लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं ना, ठक ठक ठक, तो वही चीज़ है दोस्तों। जो डाई है, पासा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो ए डाई इज थ्रोन थ्री टाइम्स, जैसे शुरू में खेलते हैं दोस्तों तो तीन बार चलते हैं ना चांस, तो तीन बार चले तो कुछ ना कुछ तो आएगा, हो सकता है सिक्स भी आ जाए, हो सकता है फाइव फोर थ्री टू वन, कुछ भी आ जाए, हो सकता है ना, आ रहा है ना समझ में। तो एक डाई है उसको हम लोग तीन बार चले हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है पहला केस में कि नंबर ऑफ इवेंट जो है आपको बताना है कि फोर अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। ये तो बाद की बात है, पहले हमको ये देखना है कि इसका सैंपल स्पेस कितना आ सकता है, कितना आ सकता है। चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि एट नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखिए इफ ए डाई इज थ्रोन, आराम से देखिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थ्री टाइम्स, एक डाई को हम लोग तीन बार चले, ठीक है ना, उसका जो नंबर है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पता है ना किसको कहते हैं, आपको दिखाए थे ना, यही सब एलिमेंट है। देखिए
कितना कितना आ सकता है? बहुत सारा आ सकता है दोस्तों, बहुत सारा। कितना आ सकता है? बहुत सारा मतलब कितना? एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना आ सकता है दोस्तों? देखिए उसका जो एस है इज इक्वल टू, हम लोग ये निकालेंगे। देखिए उसका पहले हाईएस्ट नंबर देख लीजिए, 6 × 6 × 6, ठीक है? यानी कि खूब से खूब कितना आ सकता है दोस्तों? मान लीजिए 3 बार चले तो 3ों बार छक्का 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 आ गया, यानी कि 666, ठीक है? आ रहा समझ में? हार्डली से हार्डली आपको देखना है कितना आ सकता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36, और 36 6 जा 216। आ रहा है ना समझ में? अगर मान लीजिए शुरू में मिला तो 3 बार छक्का आ जाता है, तब तो चांस उसको बेचारा को नहीं मिलता है, ठीक है ना? वो ऐसे ही बैठा रह जाता है। लेकिन मान लीजिए खूब से खूब कितना आ सकता है, तो 3 बार चले तो 3ों बार छक्का 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 आ गया, ठीक है ना? तो यही ना आ सकता है। आ रहा समझ में? 216, हार्डली से हार्डली, यानी कि जो सैंपल स्पेस है वो आपका 216 आ जाएगा, ठीक है? 216 एलिमेंट्स हो सकता है, बहुत सारा, ठीक है ना? तो आपको पूरा 216 लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना? आप ही सोचिए कि इसी को खाली हम 8 गो जो है लिख रहे थे ना, 8 गो, तब इतना बड़ा हो गया। अगर आप पूरा 216 गो लिखिएगा एलिमेंट, तब कितना बड़ा हो जाएगा? एक बार चले तो 111 आ गया, दूसरा बार चले तो 112 आ गया, तीसरा बार चले तो 113 आ गया। इस तरह से आप बहुत पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना। लेकिन आपको उस चीज़ पर अभी आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा ना? तो यहाँ पर एकदम स्मार्ट बुद्धि लगाना हम लोग को। यहाँ पर जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ना, उसको हम लोग पार करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ इवेंट जो है वो 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। आपको उसमें से 216 वो एलिमेंट से ऐसा एलिमेंट चूज करना है, ऐसा एलिमेंट लिखना है यहाँ पर जिसमें तीसरा चांस में, थर्ड चांस में क्या आ रहा है दोस्तों? क्या रहा है? 4 आ रहा हो, ठीक है? आपको वैसा ही यहाँ पर रखना है। तो सबसे याद रखिएगा दोस्तों, आपको टारगेट करना है कि जो तीसरा चांस है उसमें 4 वाले पार्टी को ही लिखे सिर्फ, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 4 वाले पार्टी को, ठीक है? तो किस तरह से लिखिएगा, एकदम आराम से समझिएगा दोस्तों, एकदम आराम से समझिएगा। तो जो ई है वो क्या क्या लिखा सकता है? बहुत सारा लिखाएगा, लेकिन देखिए या तो 114 आएगा। अब इसी को आप बढ़ाते जाइए, 1, अरे यार, 124, 134 आ रहा है ना? आ रहा सच में? 144, 5 नहीं लिखेंगे। 5 क्यों नहीं लिखेंगे दोस्तों? 5 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि तीसरा में हमको 5 नहीं लाना है, ठीक है? हमको क्या लाना है? 1, ऐसा करते दोस्तों, ये बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है? एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। इसको हम लोग यहाँ से इसको काट रहे हैं फिलहाल में, ठीक है? क्योंकि बड़ा सा हो जाएगा, इसीलिए ई इज इक्वल टू, आपको अब इसी स्पेस में इतना से इतना स्पेस में लिखना है, ठीक है? तो क्या क्या हो सकता है एकदम आराम से समझना है। 114, ठीक है? 124, अब 13, आ रहा समझ में? 134 आ सकता है, आ सकता है ना? और इसी को आगे बढ़ाइए, 144 आ रहा समझ में? और यहाँ पर 154 भी तो आ सकता है, आ सकता है ना? और आगे बढ़े, 164। अब यहाँ तक बॉर्डर खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया ना, क्योंकि 7 तो गोटी के अंदर होता नहीं ना है। आ रहा समझ में? 111 112 13, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाए, यानी कि बीच का आप देख रहे होंगे कि बीच का डिजिट बढ़ते जा रहा है, और ये एकदम शांत का शांत है, और 1 भी शांत का शांत है ना? अब नीचे वाले में क्या करेंगे कि जो 1 है इसको अब चेंज करेंगे 2, ठीक है? और ये 1 को वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये जो रो बन रहा है ना, बीच वाला चेंज होते जा रहा है, और ये जो कॉलम हम लोग बनाते जाएंगे वो इधर का पार्टी चेंज करेंगे, और इसको एकदम शांति से रखना है दोस्तों, इसको हम लोग को शांति से रखना है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि 4 जो है ना वो रहना ही चाहिए थर्ड टॉस में,
यानी कि पहला टॉस किया, दूसरा टॉस किया, तीसरा टॉस में फोर आ गया। ठीक है, ये हर जगह आप देखिएगा कि फोर जो है एकदम शांति से कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, आ रहा ना समझ में दोस्तों किस तरह से करना है। अब चलिए टू टू फोर, यहाँ पर जैसे हम लोग बीच वाला को बढ़ा रहे थे वैसे ही आपको बढ़ाना है, और टू 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 इस तरह से आगे वाला को एकदम रखे रहिएगा, एकदम सेम सेम सेम। ठीक है, टू तो रहेगा ही, फिर थ्री के बाद फोर, ये फोर भी रहेगा, फिर टू तो रहेगा ही, फोर के बाद फाइव। ठीक है, देख रहे हैं ना, फाइव और यहाँ पर फोर रखिए, एकदम आराम से समझिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सके तो बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है ना, बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन तरीका से लिखिएगा ना तो बहुत ही आसानी होगा आपको लिखने में। टू तो वैसे ही रहेगा, टू सिक्स फोर। अब आगे बढ़ते हैं, वन टू थ्री। ओके, अब थ्री जो है ना सब आगे सब जगह सेम रहेगा, और वन जो है इधर सेम, थ्री टू फोर। ओके, यहाँ पर थ्री, अब यहाँ पर थ्री लिखिए, फोर। मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे बहुत मज़ा आएगा, बनाइए बनाइए, गेम है एक तरह से, ये गेम है। ठीक है, और यहाँ पर थ्री फोर फोर, थ्री फाइव फोर, और नेक्स्ट जो है थ्री सिक्स फोर। क्लियर आया समझ में? और यहाँ पर अब थ्री के बाद फोर बढ़ाइए, कॉलम चेंज कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर वही सेम रखिए, फोर टू फोर। अब हम लोग थोड़ा तेज़ी से किया जाए क्या? नहीं, तेज़ी से गलती हो जाता है, तेज़ी से नहीं बनाना चाहिए ज़्यादा, जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाए, हम एक्सपर्ट नहीं है उतना। ठीक है ना, तो यहाँ पर फोर 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 हो गया, और यहाँ पर आप फोर दीजिए, फाइव दीजिए, फोर दे दीजिए, और यहाँ पर फोर ही रहेगा, सिक्स रहेगा, फोर रहेगा। ओके, अब हम लोग बदलते हैं आगे फाइव की तरफ। ठीक है, फाइव वन फोर, फाइव टू फोर, फाइव थ्री फोर, फाइव फोर फोर, एकदम इसी तरह से फाइव फाइव फोर। अब हम लगता है एक्सपर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर फाइव सिक्स फोर, अब वैसे ही अब आगे चलेंगे सिक्स, अब यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, वन फोर सिक्स टू फोर सिक्स थ्री फोर, हाँ एक्सपर्ट हो गए दोस्तों, एक्सपर्ट हो गए, सिक्स फोर फोर, बनाने ही से एक्सपर्ट होता है आदमी, सिक्स फाइव फोर, और इधर सिक्स लिखे, सिक्स फोर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इतना सारा आ गया, सोचिए 216 टो है, और हम लिखे कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, इधर से छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि सिक्स इंटू सिक्स 36, 36 को लिखे हैं, इतना बड़ा हो गया। अगर 216 लिखना रहता तो जाने निकल जाता। ठीक है ना, तो अब ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट मेन चीज़ तो हम लोग लिख लिए, ये हो गया ना, देख रहे ना सब जगह फोर 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 आ गया ना दोस्तों थर्ड चांस में। अब हमारा नेक्स्ट पार्टी है कौन सा, यहाँ पर बोला गया है कि आपको ऐसा चीज़ लिखना है जिसमें सिक्स और फाइव अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, आपको ऐसा टॉस के बारे में लिखना है जो आपका 216 है ना, यही नहीं है, इसमें से नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है जिसमें पहला और दूसरा जो है ना सिक्स और फाइव आया हो, सिक्स और फाइव, ओनली सिक्स और फाइव, ठीक है, आता हो तो वैसा चीज़ आपको लिखना है, फर्स्ट टू टॉसेस, यानी कि सिक्स फाइव और तीसरा नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस आपका जो पहला और दूसरा सिक्स और फाइव आना चाहिए। चलिए वैसा नंबर खोजते हैं उसी में से, तो सिक्स और फाइव पहले ही बता दिया गया है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, सिक्स फाइव वन हो सकता है, हो सकता है ना, सिक्स फाइव टू हो सकता है, यही तो हो सकता है और क्या होगा, और सिक्स फाइव फोर हो सकता है, सिक्स फाइव फोर हो गया, सिक्स फाइव फाइव हो सकता है, सिक्स फाइव सिक्स हो सकता है। ओके, क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि सिक्स 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 भी तो हो सकता है, लेकिन आपको सिक्स 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 नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सिर्फ सिक्स और फाइव ही रहना चाहिए पहला और दूसरा टॉस में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे समझ में? इस भीड़ को समझ लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस गेम की तरह हम देखे होंगे कि गेम तरह खेल रहे थे और इतना बड़ा हो गया, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,
यहाँ तक आ गया समझ में, लगता है फोन आ गया किसी का, आते हैं काट के। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। तो ये चीज आप अगर लिख लिए ना तो समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन का आप जंग जो है ना जीत लिए हैं। जंग जीतने का मतलब कि अब उस क्वेश्चन में जान नहीं रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने दोनों चीज को अच्छे तरीके से लिख लिया है, अब हमारा सॉल्व करना है कौन सा, बताइए ना कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो आपको उसके लिए इंटरसेक्शन निकालना ना होगा। तो इंटरसेक्शन अब आपको ये देखना है कि ई और एफ में कौन सा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि क्या ये 651 जो है, 652 ये सब क्या इसमें है शामिल। अगर इसमें रहेगा वो नंबर शामिल तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं कॉमन के वे में। चलिए खोजते हैं 651 को। तो हम 651 को खोजने निकले तो हमको नहीं मिला, नहीं ना मिला तो वो तो फेल हो गया। 652 निकला, 652 भी नहीं मिला है क्योंकि तीसरा नंबर 4 ही आपको वहाँ पर मिलेगा। तो हम क्यों ना हम तीसरा नंबर 4 ही को लें, यहाँ पर देखिए है ना 654 आ रहा है समझ में। तो 654 हमारा जो है वो कॉमन ही निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट कॉमन निकला है दोस्तों, आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कुल मिलाकर के नंबर है कितना 216 है ना, सैंपल स्पेस 216 है, ओके। और आप जो है अब क्या करिए कि इसमें देख रहे हैं कितना है, एक ही एलिमेंट है तो 1/216 हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये क्यों निकाल रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमको ये चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला में लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जान ही रहे हैं कि 216 तो रहेगा रिजर्व, और अब देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख दीजिए, 6 एलिमेंट 6/216 इसको आप काट दीजिए, 6 3 18 और 6 6 36, ओके। यानी कि 1/36 आ चुका है, हम बहुत ही आसानी से ले आए, हमारा क्वेश्चन लगभग बन ही गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है बुक में क्या बोलता है, देखें है ना क्वेश्चन, और देखिए बोल दिया गया ना कि 6 से लेकर के 9 तक बनाइए, ई बाई एफ निकालिए। तो हम अब निकालेंगे ई बाई एफ, ठीक है। तो ई बाई एफ का मतलब इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। दोनों का वैल्यू हमें पता है तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1/216 और इसका वैल्यू है अभी तुरंत निकाले है 1/36। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करिए तो 36 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, काट दीजिए 36 6 जा कितना होता है 216 अभी ना पढ़े थे तो निकल गया बन गया और क्या, तो 1/6 हो गया, ठीक है। आगे समझ में, चलिए जी ये निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियोस का रहेगा, नेक्स्ट में बनाएंगे, ठीक है बाकी का। 9 नंबर में बोल रहा है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि माता जी हैं, पिताजी हैं और बेटा जी हैं, ठीक है, तीनों एक फैमिली में हैं और तीनों को आपको इस तरह से सजा करके लिखना है रैंडमली। रैंडमली का मतलब समझ में आ रहा है ना, बता रहे हैं एकदम अलग अलग। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो 9 नंबर है देखिएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं रैंडमली का मतलब कि रैंडमली किसको कहते हैं, ठीक है। तो माता पिता और बच्चे हैं ना एक, तो ऐसा करते हैं लिख लेते हैं, इफ़ मदर यानी कि हमने माँ को मान लिया एम, ठीक है, और पिताजी को मान लिया फादर इज एफ, और बेटा जी को क्या मान लिया, ठीक है एस। ये एस को आप सैंपल स्पेस मत समझिएगा, ओके। तो अब आपको सैंपल स्पेस निकालना है,
देन द सैंपल स्पेस इज, इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पर रैंडमली लिखना है। अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि रैंडमली का मतलब क्या होता है। रैंडमली का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से एकदम अलग अलग आपको लिखना है सजा करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर एम एफ एस को लिख रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जो फैमिली है उसके पिक्चर को आप एकदम रैंडमली अलग अलग वे में लिख के दिखाइए। तो पहले हमने माता पिता और बच्चे को लिख लिया, ठीक है। अब ये एफ एस जो है इसको घुमा भी तो सकते हैं, यानी कि एस को यहाँ लिख सकते हैं, एफ को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम एक दूसरे से अलग होना चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते चलेंगे। अब एफ को इधर ले आइए, आप अपने तरफ से लिखते रहिएगा, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपको देखना है कि एक दूसरे से अलग होना चाहिए ये चीज, ठीक है। एफ एस एम लिख दीजिए, अब एस को लिख देते हैं एस एम एफ, एस एफ एम। अब ये यहां तक आ गया, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और सब जो एक दो तीन चार पाँच छः, छः जो है दोस्तों एक दूसरे से अलग अलग है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रैंडमली, एकदम एक दूसरे से अलग होना चाहिए, ठीक है। अलग वे में अच्छे तरीके से लिख दिए, ठीक है। सैंपल स्पेस तो निकल गया, अब हमारा जो ई और एफ है वो क्या कहता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ई जो है कहता है कि सन जो है, सन ऑन वन एंड, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, सन यानी कि बेटा जो है यहाँ पर एस जिसको माने हैं वो पहला और आखिरी में रहना चाहिए, सन ऑन वन एंड। क्वेश्चन को जहाँ समझ गए आप फटाक से बन जाएगा प्रोबेबिलिटी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ अब आपको देखना है कि ये तीनों केस में पहला और आखिरी में सन कहाँ कहाँ है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो है आखिरी में, ठीक है, और यहाँ बीच में है तो नहीं चलेगा, पहला और आखिरी में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी है और इसमें भी नहीं है, इसमें है पहला में, तो ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो आप इवेंट लिख लीजिए। अब ई जो है आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, पहला और आखिरी में रहना चाहिए बेटा जी, तो बेटा जी यहाँ पर है एम एफ एस, ये हो जाएगा एफ एम एस, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा पहला में है और ये आखिरी आखिरी में, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ना है, मज़े से। आगे समझ में दोस्तों, ये आपका इवेंट हो गया ई। अब इवेंट आते हैं एफ में, क्या बोला जा रहा है वो, तो इसमें बोल रहा है कि फादर जो है ना, यानी कि पिताजी हैं, वो मिडिल में रहना चाहिए, ठीक है, फादर इन मिडिल। तो अब आपको ये एलिमेंट में चेक करिए कि फादर यानी कि पिताजी जो हैं वो मिडिल में कहाँ है, तो यहाँ पर है मिडिल में एक और दो, है ना, तो ये दोनों एलिमेंट को आप लिख लीजिए आराम से। आगे समझो दोस्तों, एस एफ एम, अब पता ही आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इंटरसेक्शन निकालना है ई और एफ का। तो आप ये एलिमेंट और ये एलिमेंट में देखिए कि दोनों में कौन कौन शामिल है एक दूसरे में, तो इसके पास कम है, तो इसी से चेक करते हैं, एम एफ एस चेक किया जाए है, एस एफ एम चेक किया जाए है, तो दोनों जो है ना, दोनों एलिमेंट एक दूसरे में है कॉमन, ठीक है ना, तो वो आपका इंटरसेक्शन निकल जाएगा दोनों, तो लिखिए एम एफ एस एस एफ एम, क्लियर हुआ, आया समझ में, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो चुका है। तो फॉर्मूला कहता है ई बाई एफ कि हमको भाई साहब क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, जिसमें से ये हम आराम से निकाल सकते हैं और ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसको निकाला जाए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, तो सबसे पहले कुल मिलाकर के कितना है दोस्तों, कुल मिलाकर के सैंपल स्पेस है एक दो तीन चार पाँच छ सिक्स, ठीक है, आया समझ में। और ये आपका जो इंटरसेक्शन है वो कितना निकला है,
इंटरसेक्शन निकला है एक और दो, तो दो लिखिए, कट रहा है, देख रहे हैं कट रहा है, तो 1/3 हो गया। ओके, अब बारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने की। तो जान रहे हैं कि नीचे 6 ही होने वाला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितना है, 2 है, इसमें भी सेम 1/3। अब आप फार्मूला पर रखिए और जो आपको निकालना है वैल्यू वो निकालिए। अब ए इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू पता ही है 1/3, और इसका भी 1/3, 1/3 इंटू 3/1 कट गया, कितना है इजी था ना दोस्तों, 1 आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, आ गया समझ में, और क्या करना है क्वेश्चन में, बस बन गया और क्या, इजी था ना, बहुत मजा आया ना दोस्तों पढ़ने में। अब हम लोग जो 10 है ना, 10 से लेकर के 17 तक, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यूट्यूब पर सबके लिए आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, इसको आप रिविज़न कर लीजिएगा, कोई जान नहीं है दोस्तों, और पढ़ने में मज़ा आएगा, और पढ़ लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, और 13.1 से भी आ सकता है 6 वाले क्वेश्चन में, बस आपका क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, उसके अंदर ढेर सारा डिपार्टमेंट को बांट देगा, वो वही दे देगा 6 और 4 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी का एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और रिवीजन खास करके कर लीजिएगा। जितना भी आप किए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए पहले, तो ठीक है, जितना पढ़े हैं पहले उसी को करिए, क्योंकि अभी उसी को रिवीजन करिएगा तो वही लिख पाइएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।